अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमाज तोड़ देने वाली चीजें। नंबर एक, कसन। शाह पूरे से नमाज में वोट उठा तो नमाज जाती रहेगी। नंबर दो, नमाज में छींक आई इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं जाती, लेकिन कहना चाहिए। और अगर किसी और को छींक आई और उसने जवाब में उसको यरहमकुल्लाह कहा तो नमाज जाती रही। नंबर तीन, नमाज में आया वो या उफ हाय या जोर से रोए तो नमाज जाती रही। अलबत्ता अगर जन्नत या दोज़ख को याद करने से दिल भर आया तो जोर से आवाज निकल पड़ी तो नमाज नहीं टूटती। नंबर चार, नमाज में इतना मुड़ गया किसी ना क़िबले की तरफ से फिर गया तो नमाज टूट गई। नंबर पाँच, कुरान शरीफ में देख देख कर पढ़ने से नमाज टूट जाती है। नंबर छह, किसी औरत ने नमाज के अंदर जूड़ा बांधा तो नमाज जाती रही। नंबर सात, नमाज में बच्चे ने आकर माँ का दूध पी लिया तो नमाज जाती रही, अलबत्ता अगर वो नहीं निकला तो नमाज नहीं गई। नंबर आठ, किसी के इस्लाम के जवाब में वालेकुम सलाम कहा तो नमाज जाती रही। नंबर नौ, नमाज में कोई चीज खा ली या कुछ पी ली तो नमाज जाती रही, यहाँ तक कि एक तिल या छाली का टुकड़ा उठाकर खा ले तो भी नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर छाली का टुकड़ा वगैरह कोई चीज दांतों में अटकी हुई थी उसको निकल गया तो अगर चने से कम हो तब तो नमाज होगी, और अगर चने के बराबर ज्यादा हो तो नमाज टूट जाएगी। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली तमाम चीजों की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब हम इजाजत चाहते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।